नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ टेक समाचार की एपिसोड नंबर 23, जहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत 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 सारी टेक न्यूज के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं सबसे पहले समाचार से, एंड सबसे पहला समाचार जो है गाइस, मुझे बहुत खुशी हुई इस समाचार को सुनने के बाद। कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऑफिशियली दोस्तों, ये जो बेटिंग वाला गेम होता है ना कि 20 रुपए लगाओ एंड 2 मिनट के अंदर अंदर 2000 रुपए जीत सकते हो, 10000 रुपए जीत सकते हो, ये जो मतलब ऐसे बात करते जैसे उसके घर में पैसे रखे हैं वो आके दे जाएगा, ठीक है। तो ओनली वेट गाइस, ये सब ऐप को कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऑफिशियली परमानेंटली उसके स्टेट से बैन कर दिया कि नहीं, हमारे स्टेट में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं चलने वाला जिससे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मेरे हिसाब से ये जो फैसिलिटी है गाइस, पूरे देश में फैलना चाहिए ताकि जो यूथ जनरेशन है उसके पास एक सही मैसेज पहुंचे कि भाई काम करो, काम करके पैसे अर्न करो, ऐसे पैसे नहीं अर्न होते हैं मेरे भाई। तो आपका क्या राय है नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताएगा मेरे को। सो गाइस, जो लोग Amazon यूज करते हो, जो लोग Amazon प्राइम मेंबरशिप लेना चाहते हो, जो लोग चाहते हो कि हाँ मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ कि कैसा होता है फैसिलिटी लेने के बाद प्राइम मेंबरशिप, उन लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। Amazon की तरफ से एक मंथली प्लान आ रहा है जो हो रहा है 129 का, जो देकर आप Amazon प्राइम का मेंबरशिप ले सकते हो एंड आप इसका मजा पूरा तरीके से उठा सकते हो। तो अगर आपको चाहिए अभी Amazon पर एंड उसको रिचार्ज करो एंड प्राइम मेंबर बन जाओ गाइस। तो गाइस, आप में से जो लोग सैमसंग गैलेक्सी A52 5G को बाय किया, ठीक है, एंड आपको अगर माने कि नहीं यार रैम कम पड़ रहा है, मेरे को और थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो आपके लिए एक छोटा सा फैसिलिटी आएगा इसके, आप यहाँ पे 4GB तक रैम बढ़ा सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से। जी दोस्तों, इसका फैसिलिटी लेके आया है सैमसंग अपने हिसाब से। तो अगर आपका मन है कि नहीं यार मेरे को रैम बढ़ाना है, तो आप बढ़ा सकते हो एंड मज़े कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है। तो अगर आपके पास है, अगर आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो, इनोवेशन है। सो दोस्तों, मोटो की तरफ से एक फोन आ रहा है जिसका नाम है Moto E40। जी दोस्तों, 12 अक्टूबर को ये फोन आने वाले हैं एंड फोन में स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर आपको 5000mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, 48MP का ट्रिपल कैमरा पीछे की तरफ को देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ साथ दोस्तों IP52 का रेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो एक काफी अच्छी बात मेरे को लगा इसका। एंड दोस्तों, सबसे जरूरी बात, यहाँ पे आपको प्राइस रेंज क्या रखा जाएगा इसके बारे में कोई खुलासा अभी तक मोटोरोला ने नहीं किया। अब देखने वाली बात ये है कि इसका प्राइस रेंज आखिर तक क्या रहते हैं। वैसे आप नीचे कमेंट करते हुए बताओ मेरे को कि आपको क्या लगता है कि किस प्राइस रेंज में आना चाहिए इस फोन, नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना एंड आपको क्या राय है इस फोन के बारे में ये भी बताओ। सो गाइस, जब आईफोन 14 का लीक्स निकला था तब मैंने आपको बताया था, आपको याद है कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर आपको कोई डिस्प्ले के अंदर नॉच वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दुख की बात है गाइस, एप्पल वालों ने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, शायद हम लोगों के ऊपर उसका दया नहीं पड़ी एप्पल की, तो इसीलिए कहा नहीं ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं भी हो सकता है, हम नॉच रख भी सकते हैं, ठीक है। तो आशा तो बहुत थे, देखते हैं गाइस सितंबर में क्या निकलता है, मतलब 2022 का सितंबर में आईफोन 14 से क्या क्या चीज़ लेके निकलते हैं, देखते हैं। सो दोस्तों, OnePlus Buds Z2 ये बेसिकली TWS है जो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, जो बहुत ही जल्दी आने वाला है हमारे इंडिया में, हमारे बीच में। तो कुछ कुछ फोटो वगैरह निकल के आ गए हमारे सामने, जिससे हमको देख कर यही तो पर लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा ही बन रहा है, ठीक है। अभी परफॉर्मेंस कैसा देगा ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके ऊपर ही वैरी करेगा इसका क्या लोग पसंद करेंगे या फिर नहीं, एंड प्राइस रेंज क्या रखा जाएगा इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ खुलासा नहीं किया। देखते हैं गाइस आगे चले क्या होता है, आपको तो पता चली जाएगा हमारे टेक समाचार वाली वीडियो में। तो वन प्लस के बारे में बात हो रहा है तो और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, OnePlus 9RT 13 अक्टूबर को आने वाले हैं चाइना में लॉन्च होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना में लॉन्च होगा, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि OnePlus लगभग चाइना में लॉन्च होने के 7-8 दिन के अंदर अंदर इंडिया में डिलीवरी करना चालू कर देते हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं, देखते हैं गाइस कब तक हमारे बीच में OnePlus 9RT आते हैं। वैसे स्पेसिफिकेशन तो काफ़ी कमाल का है, देखते हैं आप लोगों के पसंद आता है कि नहीं, नीचे कमेंट करते हो बताओ मेरे को आपके पसंद है या फिर नहीं OnePlus 9RT। सो दोस्तों, Redmi K50 Pro Plus ये बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है।
जहां पर आपको स्नैपड्रैगन 898 का लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाएगा विद आपको एमआई 5000 एमएच का बैटरी देखने को मिलेगा, 67 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग आपको यहां पे देखने को मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, पेरिस्कोपिंग जूम लेंस वहां पर आपको यूज किया गया है जो बहुत ही कमाल की बात है। तो देखते हैं गाइस कब तक आते हैं, वैसे इंडिया में किस नाम से आता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन दोस्तों प्राइस रेंज के बारे में बता दूं, प्राइस भी लगभग सुपर से पर ही होगा। Redmi के और एक फोन के बारे में बता दूं आपको, Redmi Note 11, जी हाँ दोस्तों ये भी बहुत जल्दी आने वाला है, जहां पर आपको शायद 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाए, फुल HD प्लस डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाए। उसके साथ साथ दोस्तों और एक जो बहुत अच्छी चीज मेरे को लगी, जो आपको 30,000 के फोन में भी शायद एक दो फोन में देखने को मिलता है, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। मतलब जो बहुत ही अच्छा वाला एक सिस्टम इस बार आपको Note 11 सीरीज में देखने को मिलेगा, जो मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली कह रहा हूँ। तो देखते हैं गाइस आखिर तक क्या होता है, क्या सीन होता है, Note 11 एंड K50 Pro Plus कब आते हैं, किस नाम से आते हैं देखते हैं। सो दोस्तों आप जब गूगल में कुछ सर्च करते हो, चाहे आप वॉइस करो चाहे आप टाइपिंग करो, एक छोटा सा साउंड आता है ना, एक दो साउंड आता है ना, अभी गूगल ये मॉडिफाई कर रहा है कि वो जो साउंड है वो आपको गिटार के साउंड के रूप में सुनाई देगा। जी हाँ दोस्तों वो गिटार के साउंड होंगे जो आपको सुनाई देगा, जो एक छोटा सा चेंजेस गूगल की तरफ से आने वाले हैं एंड उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि इसके ऊपर आप लोगों का रिएक्शन क्या हो रहा है। वैसे नॉर्मल सा है गाइस, लेकिन हाँ अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही काम का नहीं है। तो आप लोगों के लिए ये कितना काम का है नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताइएगा, एंड ये चेंजेस आपको कैसा लगा, जब ये आएगा आपको कैसा फील होगा इसके ऊपर नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताइएगा। तो बस गाइस यही था आज का हमारा टेक समाचार एपिसोड 23। आई होप आज का न्यूज आपको अच्छा लगा होगा, जो जो मैंने बताया आपको मजा आया होगा सुन के। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिना रुके वीडियो में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो जब मैं करूं ढेर 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 सारा मोटिवेशन मुझे मिल जाए। कमेंट करो नीचे, बताओ आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो के बारे में कोई रिकमेंडेशन है नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, एंड गाइस शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ ऑल करो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप ही तक सबसे पहले पहुंचे जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करता हूं। तो बस मैं मिलता हूं आपसे कल नया कोई वीडियो में नया कोई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, स्टे होम स्टे सेफ।